नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वायल बायोस्कोप में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे सैनिक की जो महज सिर्फ 23 साल की उम्र में ही देश के लिए शहीद हो गए। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गुरतेज सिंह जी की, जो 15 जून की रात को गलवाल वैली में हुई चीनी सैनिकों से लड़कर देश के लिए शहीद हो गए। और ये भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई महज 23 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हो गए। आज की वीडियो में हम आपको 15 जून की उस रात के बारे में बताएंगे कि कैसे गुरतेज सिंह जी ने शहीद होने से पहले कैसे 12 चीनी सैनिकों को अपनी कृपाण से मौत की नींद सुला दिया। तो दोस्तों, एक बहादुर जवान था, नाम था गुरतेज सिंह, उम्र सिर्फ 23 साल, जो शहीद होने से पहले 12 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार गया। गुरतेज की हौसले की दास्ता अब सामने आई है और ये दास्ता आप सुनोगे तो आपका सर फक्र से ऊंचा हो जाएगा और सीना चौड़ा हो जाएगा। 8 पंजाब के खातक प्लाटून के सिपाही गुरतेज सिंह ने 15-16 जून की रात चीन के फौजियों के दांत खट्टे कर दिए थे। गुरतेज सिंह के साथी नौजवानों ने झड़प की जो डिटेल बताई है उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साथी जवानों ने बताया कि गुरतेज सिंह पर 4 चीनी सैनिकों ने एक साथ हमला किया। गुरतेज सिंह बोले, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, और चीनी सैनिकों से भिड़ गए और उन्होंने चीन के चारों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इसी वक्त गुरतेज सिंह के पैर फिसल गए और वो नीचे पड़े पत्थर पर गिर गए, लेकिन गुरतेज सिंह घायल शेर की तरह वापस आए और गुरतेज ने अपने कृपाण से 7 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। नीचे गिरने पर गुरतेज सिंह की गर्दन पर काफ़ी गंभीर चोट आई थी, लेकिन शहीद होने से पहले गुरतेज सिंह ने अपनी पगड़ी बांधी। इसी वक्त चीनी सैनिकों ने इस घायल शेर पर पीछे से हमला कर दिया और उसके बाद उन्होंने एक चीनी सैनिक को अपनी कृपाण से मार डाला, जो कि उनका 12वां और आखिरी शिकार था। उसके बाद ये भारत माता का लाल हमेशा हमेशा के लिए भारत माता की गोद में सो गया। गुरतेज सिंह अपने परिवार में सबसे छोटे थे। उनकी माँ ने बताया कि गुरतेज को बचपन से ही फौज में जाने का सपना था और वो फौज में जाना चाहते थे। वो बार बार कहते थे कि माँ, मुझे फौज में भर्ती होना है। माँ ने बताया गुरतेज पहली बार में ही फौज में भर्ती हो गए थे। इस दिन गुरतेज सिंह ने देश के लिए जान निछावर की। उनके गांव में बड़े भाई गुरप्रीत सिंह की शादी थी, लेकिन देश की खातिर गुरतेज सिंह ने भाई की शादी में नहीं गए। गांव में बड़े भाई की शादी का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन गुरतेज सिंह सर पर कफन बांधकर चीनी फौजियों से लड़ रहे थे। यह वो दास्ता है, यह वो पराक्रम है, यह वो बलिदान है जो हमारे हर सैनिकों में है। वक्त आने पर हमारा एक एक जवान 100-100 दुश्मनों पर भारी पड़ता है, और ये बात गुरतेज सिंह ने चीनी सैनिकों को बता कर गए और हमें उन पर गर्व है। तो दोस्तों, ऐसे युवा भारत के शेर को हम सत सत नमन करते हैं, जो वक्त आने पर देश के लिए अपनी जान तक निछावर कर देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप इतना शेयर करो कि ये वीडियो हर एक नौजवानों के पास पहुंचे, ताकि वो इस वीर सपूत को की शहादत को याद कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।